اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بأدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. आस्ताना अकदस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बा इख्तियार काकी मेहरौली नई दिल्ली से और मरकज तसव्वुफ से तसव्वुफ का ये खादिम कुछ हकीकत आपके सामने लाने के लिए एक बार फिर से आप के सामने हाजिर है. कबूल फरमाइए. आज की बातचीत का उन्वान हम कुछ अल्फाजों के बाद बयान करेंगे. पिछली बातचीत में आप ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं अच्छी तरीके से कि इस्लाम के मायने होते हैं पीसफुलनेस, अमन, सुकून, शांति. इस्लाम किसी मज़हब का नाम नहीं है. बारी ताला ने कोई मज़हब नहीं बनाया. बड़ी नागवार लगी होगी आपको ये बात, लेकिन पहले तहकीक और तस्दीक कीजिए. इस्लाम के मायने पीसफुलनेस, अमन, सुकून, चैन. और तसव्वुफ का पैगाम है मोहब्बत, खिदमत. तो इस्लाम और तसव्वुफ एक ही तरफ है. अब हम तसव्वुफ के कैनवास की बात करते हैं. तसव्वुफ का दायरा बहुत बड़ा है और कोई भी चीज इससे बाहर नहीं रह पाई, क्योंकि मार्फत का रास्ता है ना, बारी ताला के दीदार का रास्ता है, उसको जान लेने का रास्ता है. बहरहाल जनाब बशीर बद्र का एक शेर है, हो सकता है एक आध अल्फाज गलत हो, इसमें मफहूम समझ में आ जाएगा. उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में, उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में. तुमको शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में. आज की बातचीत का उन्वान है दंगों की बुनियाद. ये तसव्वुफ का खादिम पहले बयान कर चुका है कि तसव्वुफ का कैनवास बहुत बड़ा है और किसी चीज, कोई भी चीज इससे अछूती या इससे बाहर नहीं रही है. और हजारों सालों से और अब तक दंगे होते हैं, दुनिया के हर मुल्क में होते हैं. कहीं माफ कीजिएगा, कहीं शिया सुन्नी के नाम पर होते हैं, कहीं काले और सफेद के नाम पे होते हैं, कहीं हिंदू और मुस्लिम के नाम से होते हैं,
लेकिन होते पूरी दुनिया में हैं। इस तसव्वुफ़ के खादिम ने पिछले कुछ दिनों मेहनत करके कुछ पॉइंट बनाए और कुछ बचपन के किस्सा भी एक आपको सुनाऊंगा, छोटा सा किस्सा है, तो उससे बातचीत का जो माहौल है वो बहुत मीठा सा बन जाएगा। पॉइंट नंबर एक, घर का माहौल। घर का माहौल, बचपन में चूंकि हम अपने वालदैन, अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन, दादा दादी, नाना नानी, मामू मामानी, खाला खालू, इन सब के ऊपर डिपेंड होते हैं, और सबसे ज्यादा हर चीज के लिए माँ और बाप पर, तो बचपन से ही हमें हमारे माँ बाप अपने परंपरागत जो विरासत में उन्हें मिला है उस मज़हब की तारीफ करते हैं और दूसरे मज़हब की बुराई हमारे कानों के ज़रिए हमारे दिमाग में भरना शुरू कर देते हैं बचपन से। 5-6 साल की उम्र में वाली साहब के साथ जुमा पढ़ने चले जाते हैं ये जाने बिना कि नमाज क्या है, सलात क्या है और सलाह क्या है, और बारी ताला ने सलाह फरमाया है या सलात फरमाया है या नमाज फरमाया है। घर का माहौल, सिर्फ जिस मजहब में आप पैदा हुए हैं उस घर का माहौल आपको अपने मजहब से बेहद प्यार करना और दूसरे मज़हब से नफ़रत करना बचपन से ही हमारे जहनों में भर दिया जाता है। तसव्वुफ़ का ये खादिम, ये बात 1967 या 66 की है कि महरौली में एक दरगाह वाला स्कूल है, बहुत मशहूर है, बहुत पुराना स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसमें पढ़ता था। तो वो शरणार्थी लोग जिनके परिवार, मैं किसी किस्म की खुदा ना खास्ता शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं घर के माहौल से जो बात कही है उसको साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं शायद दूसरी या तीसरी क्लास में था, उसके बाद चौथी पांचवी तक ये मैंने भुगता है। तो महरौली में वो शरणार्थी लोग जो पाकिस्तान में मुल्तान से, पंजाब से आए हुए थे, वो कहते थे, उनका चिढ़ाने का एक मुहावरा था, वो था, मुसलमान बेईमान आगरे में रहते थे, हिंदुओं ने मारी लात, अल्लाह अल्लाह करते थे। वो याद है मुझे अभी तक, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन वो ग्रुप होता था। मैं कोई मकसद शिकायत नहीं, मैं घर के माहौल से उस उम्र में, जो उम्र 6-7 साल 8 साल की होती है, उसमें हम क्या सुनते हैं, हम अपने घरों में अपने बच्चों को बम बना रहे हैं, अपनी जुबानों के जरिए नफरत भर के बम बना रहे हैं। जैसा पहले बताया जा चुका है, पॉइंट लिखे हुए हैं, तो वो नंबर दो, पहला तो हो गया घर का माहौल, उससे हमारे जहनों में बिना सोचे समझे, बिना तोले
हम तोले काहे पर, किस चीज पर तोले हम? हमारा आईक्यू लेवल इतना होता नहीं है, हम हर चीज के लिए डिपेंड होते हैं, पॉकेट मनी के लिए, रोटी के लिए, हर चीज के लिए। तो वो जो कह रहे हैं अब के बाद बच्चों के गार्जियन को, पेरेंट्स को ये ख्याल करना चाहिए कि हम जो तालीम दे रहे हैं वो हमारे बच्चों को क्या बनाएगी। चलता फिरता बम बना रहे हैं वो गार्जियन, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर दो, सियासत, राजनीति, पॉलिटिक्स। वैसे तो प्राचीन काल से दुनिया में मौजूद है, लेकिन अब इस दौर में बढ़ती जा रही है। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान डिवाइड एंड रूल का तरीका था, और उन्होंने इस तरीके को लागू करके हम पर हुकूमत की। मैंने पढ़ा था, आचार्य यशपाल ने लिखा कि सियासत की भूख सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, जो खुद को भी खा जाती है। अब भी यही हो रहा है कि जो हम पर जिस किस्म की हुकूमत करना चाहता है, जिस किस्म की हुकूमत करना चाहता है, अरब के मुल्क हम पर अपने बनाए हुए मजहब के जरिए हमारे दिमागों में हुकूमत करना चाहते हैं। हर मुल्क की सियासी पार्टी हम पर हुकूमत करने के लिए, हमारा वोट हासिल करने के लिए हमारे जहन को कुंद करती है। हमारी कंपनी, और आजकल तो ये बहुत दौर चल रहा है कि हमको अपने इस्तेमाल के लिए हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाती है। ये तशरीह थी उस अल्फाज की, जिस किस्म की हुकूमत चाहते सब हुकूमत हैं, चाहते सब हुकूमत हैं। जाहिरी आलिम, फिर जाहिरी आलिम के फिरके और अकीदे का नाम लेकर ये करते हैं। सियासत अपनी हुकूमत के लिए धर्म, दीन, जात के नाम पर ये करती है। सबको हुकूमत और हमारी दिमागी गुलामी चाहिए, और हम, ये थोड़ा याद रखने के काबिल बात है और गहराई से, और हम हर बार बिना सोचे समझे या किसी भी किस्म के लालच में आकर अपने लिए, अपनी ही गुलामी पर दस्तखत करके खुश हो जाते हैं। देखिए, हम वो नहीं सोचते जो हम सोचते हैं, हम वो सोचते हैं जो हम से सोचवाया जाता है। हम में से हर एक आदमी ये सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूं इसे सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हमारे चारों तरफ का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि हम वो ही सोचेंगे जो कुछ लोग चाहते हैं, और फिर उसके ऊपर तुर्रा ये कि हम ये समझेंगे कि ये हम सोच रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, तसव्वुफ का पैगाम अमन, मोहब्बत, इंसान का अंदर से बदल जाना है, और हर किस्म के पर्दों, दीवारों और फर्क
और नफ़रतों को मिटाने का काम करता है तसव्वुफ़ का पैगाम। इसीलिए तसव्वुफ़ का पैगाम आपने सुन लिया, इसीलिए ज़ाहिरी आलिमों को, ज़ाहिरी पेशवाओं को, ज़ाहिरी इल्म के पेशवाओं को हुकूमत से फ़ायदा पहुंचने में रुकावट बनते थे। इसीलिए तो ज़ाहिरी आलिमों ने हमेशा सूफियों की मुखालफत की। क्यों रुकवा दी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बावड़ी बनने से हुकूमत ने? क्यों रात को चराग भी बुझवा दिए? क्या बिगाड़ा था? किसी अल्लाह के वली ने किसी की जायदाद मारी थी? जो बादशाह ने उन पर जुल्म किया, हाकिम ने उन पर जुल्म किया? लेकिन अब डेमोक्रेसी है, अब चाहे नाम ही सही लेकिन कहलाता तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तसव्वुफ, अल्लाह एक, तसव्वुफ एक। आज कुछ खतरनाक बातें भी देखिए, अल्लाह का बनाया हुआ कोई दीन नहीं है, कोई धर्म अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है। सब धर्म इंसान के बनाए हुए हैं। इंसान के बनाए हुए धर्मों की वास्तविकता को भी लोग भूल गए हैं। और जैसे किसी चीज़ का एक दायरा होता है ना, दायरा, फालतू का दायरा, प्याज छीलते जाओ छीलते जाओ छीलते जाओ, तो हर धर्म के बाहरी आवरण, रीति रिवाजों के कारण, कट्टरता के कारण, कट्टरता, सीमा से बाहर जाना, अपनी सीमा में ना रहना, ये दंगों की बुनियाद में से एक है। दंगे होते नहीं हैं, दंगे तो कराए जाते हैं। दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। सोचना ये है कि सबका तो नुकसान होता है यार, दंगों में किसका फायदा होता है? कहीं के भी दंगे हों, दुनिया में कहीं के दंगे हों, सबका नुकसान होता है। इंसान का नुकसान तो होता है, आदमियों का नुकसान होता है। हम संप्रदाय का नाम नहीं लेते, हम धर्म का नाम नहीं लेते, नुकसान तो इंसान का होता है, इंसानियत का होता है। लेकिन एक बात सोचने की है अजीज मेरे दोस्त, कि फायदा किसका होता है? नुकसान तो इंसानों का होता है, आदमियों का होता है। घर लूटे जाते हैं, घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, दुकानें लूटी जाती हैं, पथराव होता है, और ना जाने क्या क्या इससे भी बुरा सलूक किया जाता है। तो फायदा किसका होता है भाई? किसी का तो फायदा होता होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि फायदा ना हो और दंगे हो रहे हैं? मुझे नाम याद आ रहा है एक, कहीं आपका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा,
पत्थर फेंकने वाले तो नहीं बन रहे आप, अपने घर के माहौल की वजह से, बड़े होकर अपने यारों दोस्तों की वजह से। बस आप ये सोचिए कि दंगों में फायदा किसका होता है, और जब आप ये सोच लेंगे और आपके सामने ये समझ जाएंगे कि किसका फायदा होता है, तो आप इस बर्बादी से बच सकते हैं। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, नतीजा बर्बादी। एक खास फिरके ने दूसरे फिरके की बुराई की, एक खास मजहब ने दूसरे मजहब की बुराई करी, एक गोरे ने एक काले की बुराई करी, एक शिया ने एक सुन्नी की बुराई करी, तो बदला क्या हुआ? सुन्नी ने शिया की बुराई करी, दूसरे फिरके ने उसकी बुराई करी, दूसरे मजहब ने उसके लिए नफरत और वो करी। आप अगर अपनी हदों को तोड़कर, इंसानियत की हदों को तोड़कर कुछ भी एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, नतीजा दंगा। ये बात थोड़ी सी साइकोलॉजी से संबंधित है, साइकोलॉजी से ताल्लुक रखती है। हमें कुदरती तौर पर हिंसा जुल्म मौजूद है, वलकद्र खैर ही व शर रही मिन अल्लाह ताला, हमारे अंदर शर मौजूद है, इसी का फायदा उठाते हैं कुछ लोग। जुल्म करना हमारे अंदर से बदला जा सकता है सिर्फ मोहब्बत, दया, करुणा, एहसास, सब्र को जगाने की और होश को कायम रखने की जरूरत है। अब एक आखिरी बात, यार या तो तकरीरें ना सुनो, चाहे वो किसी की भी हो, किसी आदमी की हो, वो किसी नेता की हो, किसी आलिम की हो, किसी की हो, या तो तकरीरें ना सुनो। यह तकरीरें सुनो तो होश में रहकर सुनो, कि ये तकरीर करने वाला हम भीड़ से क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है, हमें क्यों तकरीर कर रहा है, वो क्या समझाना चाहता है। वो सिर्फ आपका इस्तेमाल चाहता है और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आपका इस्तेमाल चाहता है। आपको अच्छा इंसान बनाने की उसकी कोई कोशिश नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात को। इसलिए तसव्वुफ का ये खादिम आपसे दुआ की तरह गुजारिश करता है कि बस मोहब्बत, अमन, सुकून, चैन, इसको बढ़ाओ। और इसके अपोजिट जो लफ्ज है, अब उसका नाम नहीं लिया जाएगा, उसे खत्म करने की जहां तक हो सके,
जहां तक हो सके। जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, तसव्वुफ का पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।